मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदते हो ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, है ना पंकज मैम? और लॉन्ग टर्म जी के लिए सर। अभी कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सही समय है कि नहीं है? हाँ जी सर। आशीष सर क्या जवाब है भाई, हम सब रिटेल थोड़ा अब ये हमारा क्या सेंटिमेंट थोड़ा उल्टा है, हम जब मैं हमेशा रिटेल सेंटिमेंट ये है कि हमारा तेजी आती है तो हमें लगता है मिस आउट फीलिंग, तो हम एकदम फियर ऑफ मिसिंग आउट में घुस जाते हैं। आज स्क्रीन्स ठंडी पड़ी हुई हैं, ऑफ हाईज हैं भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इससे ज्यादा टाइम करने की जरूरत, कंफर्ट दिख रहा है जिस स्टॉक में उसमें ले लूं कि नहीं लूं अभी? देखिए, मेरा मानना है जैसे पंकज जी सबसे ज्यादा शॉपिंग तब करती होंगी जब ग्रोसरीज का या घर के सामान का जब सेल लगी होती है ना पंकज जी, जब आपको ऑफर मिलते हाँ हैं कि जी हाँ थर्टी जी फाइव परसेंट ऑफ 50% ऑफ। बट वही जो जो हमारा एक निवेश के जब बाजारों में निवेश की बात आती है तब हम उसको फॉलो नहीं करते कि जब आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही हो स्टॉक्स में और जब घबराहट में स्टॉक मिल रहे हो। मैंने पहले भी आशीष जी आपके शो में कहा था कि सबसे ज्यादा पैसा आपको बनाना है मार्केट में तो महीने में भले 2 दिन ट्रेड करिए पर तभी करिए जब 100 पॉइंट ज्यादा निफ्टी के में गिरावट हो या जब भी स्क्रीन पूरी रेड हो चुकी हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जब भी बाजार गिरता है तो कम वॉल्यूम के साथ गिरता है और जब बढ़ता है तो काफी वॉल्यूम के साथ बढ़ता है तो जो अपस्विंग है वो काफी फास्ट आते हैं। तो मेरी सलाह अभी ये रहेगी आपको कि बिल्कुल घबराए नहीं। ये जो शॉर्ट टर्म ग्लोबल सिनेरियोज हैं उनसे कई सारे स्टॉक हैं कई सारे सेक्टर हैं जो अछूते रहेंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है। तो बिल्कुल आप अपने अच्छे स्टॉक आइडियाज को सिलेक्ट करें और वहां पर निवेश करें और उसमें बैठे रहें थोड़ा सा। हाँ। और इसके अलावा जब भी कभी गिरावट ज्यादा हो तो उन्हीं स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट करें ना कि नए नए स्टॉक ढूंढें। अच्छा ये भी चलिए, मेरी आपको अब सलाह तो ये रहेगी। बिल्कुल सही समय है खरीदारी करने का आशीष जी सर। फिर दूसरा सवाल पंकज जी और मेरा, ये निफ्टी के 50 में से दो ऐसे जो आज खरीदारी शुरू करूं, जी वो सेल में तो क्या लेना मेरी है? जी तो मेरा सलाह रहेगा सबसे पहले तो थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब 5G का जो लॉन्च है वो राउंड द कॉर्नर है और 5G बहुत चीजें चेंज करेगा आगे रिलायंस जियो के लिए। तो और रिलायंस में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है तो 2350 के लेवल पे मेरा मानना रहेगा कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ी सी पोजिशन बनाए।